सभी फौजी भाइयों को मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती होने वाली है, जिले कौन कौन से होंगे शामिल, इसका पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। जो बरेली होने वाला है, लद्दाख और जो ये अम्बाला, कोटा, अलवर, राजस्थान या हरियाणा वाला जो बंदे हैं स्पेशली, इनकी भर्ती का प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। एडमिट कार्ड कब आएंगे, रेलवे डेट क्या है, कब कौन सी जगह यानी कौन से ग्राउंड में भर्ती होने वाली, क्या प्रोसेस है और कितने मीटर रहेगा ग्राउंड, क्या प्रोसेस रहेगा, सब चीज़ें आज की वीडियो में इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो जितना उसकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको एकदम ऑफिशियली एकदम सटीक जानकारी दी जाती है। दूसरे लोगों के जैसे हम बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कराते, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार दोस्त जो मेरे साथ चैनल पर जुड़ा हुआ है उसका एक भरोसा विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। जो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रयत्न कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है जो आपके लिए कोशिशें कर रहा हूँ, और आपके लिए बहुत जल्द ही जो मैं राजस्थान में होने वाली सेना भर्ती के लिए इस जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला हूँ, जो जयपुर अलवर वाली में मैंने की थी, सेम वैसा ही अभी जो आने वाला अजमेर में राजस्थान की उसी ग्राउंड में जो होने वाला भर्ती है, तो उसमें आपकी रिपोर्टिंग करूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके ग्राउंड के रिकॉर्डिंग हो गए, जो रनिंग के डाउट क्या हैं, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना और चैनल पर भी जुड़े होगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब जो आप बात करने वाले मेरे भाई जो राजस्थान के हो या जो अब अम्बाला के हो या बरेली या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर दोस्त के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आर्मी में जब आपने देख लिया कि मुझे आर्मी में जाना है और सपना सोच दिया आपने, तो आपने डिसाइड ये चीज़ कर दिए, तो आपको 100% उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। चाहे वो देखो आप, मैं ये अभी जानकारी दे रहा हूँ तो जो अम्बाला हो या बरेली हो, राजस्थान वाले हो, यही नहीं राजस्थान हो या किसी भी स्टेट तक कोई बंदा वीडियो को देखो, क्योंकि जो चैनल पे आपको वीडियो मिलती है मैं कई बार मिस हो जाती है, या जो कई बार जो एक या दो दिन में ही वीडियो मिल पाती है, तो उस वीडियो को भी देख लो, हर भाई के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना। ऐसा नहीं कि मैं जो जो डाल रहा हूँ एकदम वो उसी बंदे के लिए है, उसी के लिए काम है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हर भाई के लिए काम होती है, जो मेरे देश के जो युवा तैयारी कर रहे हैं उन सभी भाइयों के लिए काम है, है ना। यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई। अब जो बात करने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को देखो अभी शुरू से एंड तक। फर्स्ट चीज़ मेरे भाई, आप देख सकते हो आप जो सेना भर्ती का या प्रोसेस उन्होंने बताया है, तो ये जो आप देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो india.com की जो ऑफिशियल एक वेबसाइट है, इन्होंने जो बताया आर्टिकल छापा उन्होंने, ये जो 20 तारीख की यानी जो कल की डेट में इन्होंने छापा है, और ये जो आपके इसमें तारीख बता रखी है कुछ लगभग 12 बजे के समथिंग इन्होंने पोस्ट डाली है ना, तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें कुछ जानकारी आपके साथ शेयर की उन्होंने। देखिए देश भर में जो 10वीं और 8वीं जो पास वाले बंदे हैं उनके लिए भारतीय सेना में एक निकली है बम्बर वैकेंसी, जो बिना एग्ज़ाम दिए नौकरी ले सकते हैं और आवेदन करें जल्द। बहुत से बंदे जो ये पूछ रहे होंगे कि बिना एग्ज़ाम के हम कैसे पास होते हैं, किन चीज़ें, तो आपको पता होगा स्पेशली मेरे भाई कि जो आपको कि ये जो एग्ज़ाम बिना एग्ज़ाम दिए कैसे पास होते हो, तो आपको सब दोस्तों को पता होता है कि NCC सर्टिफिकेट जिनके पास में होता है वो बिना एग्ज़ाम दिए ही पास होता है, जो फिजिकल उसको निकालना होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है कि जिनके पास में NCC सर्टिफिकेट है या NCC BB है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल आप तक आप वेट करो, आपको सी भी मिल जाएगा। और जिन बंदों के पास में जो सी है, तो आपको जो रनिंग में बहुत अच्छा जो मेहनत करना है, जिससे आपका फिजिकल फिजिकल सारा कंप्लीट रहे, है ना। अब जो जो बात करने वाले हैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखो हम फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन जो फॉर्म में कई बार जो हम गलती करते थे, जो आपके स्पोर्ट का सर्टिफिकेट हो या NCC सर्टिफिकेट हो, या हम डेट ऑफ बर्थ हो या अपने फादर का नाम हो या अपना नाम हो, कई बार हम ये चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं। तो यदि आपके पास में जो डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पापा का नाम मिस्टेक है, तो ये आप फॉर्म भरने से पहले ही अपडेट कर देना, चेंज करवा देना, क्योंकि बाद में जब आपकी इसके लिए जो वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और ऐसा झंझट ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना। आप फॉर्म भर रहे हो तभी अपना जो देख लेना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपने फादर एंड मम्मी और दोनों का नाम देख लेना, और एड्रेस ज़रूर कन्फर्म कर देना, ठीक है। क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा जो एक पर्सनल है, जो एक होता है ना, जो एक कह सकते हो ये जो एक पर्सनल पहचान पत्र दे सकते हो आप, तो यानी जो भी आपका पर्सनल डाटा होता है वो आप देने के लिए इसमें एक सही एकदम ऑथेंटिक जानकारी होती है। बाकी अदर जो कोई और सेक्टर में है, तो आप जो वहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो चल जाएगी, लेकिन ज़्यादातर यार जो फॉर्म देते हो तब वहाँ पे एडमिट कार्ड दोगे ना, तभी ये जो ये चीज़ें पकड़ी जाएगी, तो यदि इसमें मिस्टेक होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है गेट पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, यदि आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या कुछ और भी जो स्पोर्ट के और भी जो होते हैं जो चैंपियनशिप है, जिन भी जो कितना भी कोई भी सर्टिफिकेट है, आप ज़रूर फॉर्म भरते वक्त ध्यान में रखना और वहाँ पर सेलेक्ट कर देना, जिससे आपको आगे फ्यूचर में 5 नंबर 2 नंबर जो भी आपको मिले वो आपके लिए बहुत अच्छा रहे। क्योंकि आपको पता है कि जो मेरिट जब टूटती है तो वो एक एक पॉइंट में भी मेरिट टूट जाती है, और एक पॉइंट में भी एक नंबर में भी बहुत से बंदे छट जाते हैं। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, NCC सर्टिफिकेट है, जो भी आपका है,
जरूर लगा देना या रिलेशन सर्टिफिकेट वो भी जरूर लगाना, क्योंकि ज़्यादा बेटर है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक ये एक पॉजिटिव है जिससे आपका जो 100% सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। कई बार एक नंबर में हज़ारों बंदे बैठे होते हैं, तो एक दिमाग में बैठा देना, क्योंकि एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक आते हैं कि जो भर्ती कौन कौन से जो राज्य के हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, कौन कौन सी जो इसमें पोस्टें मिलने वाली, क्या प्रोसेस है, ये चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो भारतीय सेना में जो नौकरी के लिए एक अवसर निकाला है उन्होंने, एक बहुत अच्छा अवसर, सुनहरा सपना निकाला है उन्होंने, जो हर बंदे का सपना पूरा हो रहा है। इसके लिए जो अभी भारतीय सेना में जो हर साल, यानी ये जो पिछले साल भी निकाली थी और कई बार जो भर्तियाँ रद्द भी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो ये बात करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 की जो भर्ती है इसी के लिए बात करने वाले हम, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि जो हर साल जो विभाग की तरफ से जो GD की भर्ती हो, नर्सिंग असिस्टेंट की हो, कलर की हो, ट्रीटमेंट की हो, ये भर्तियाँ सारी होती है, टेक्निकल की भर्ती, ये सारी भर्तियाँ होती हैं, लेकिन पूरे भारत के लिए जो कई बार है जो रुक जाती है और कई बार जो रिजेक्ट होने के कारण जो भर्तियाँ बढ़ जाती हैं, तो जिन जिन बंदों की जो रुक जाती हैं उनको एक सही जानकारी नहीं मिल पाती है और बाद में जब देखते हैं तब वो ओवरेज हो चुके होते हैं और दूसरी ट्रेड में यानी छलांग मार देते हैं, क्योंकि GD के बंदे होते हैं स्पेशली, जब एकदम उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, कई बार वो 17.5 आगे होते हैं तभी उनको पता नहीं चल पाता है कि जब हम फॉर्म भरने के लिए तैयार हो चुके हैं, तब भी जो वो एक 21 तक आते आते उनको पता चलता है कि हम आर्मी में फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें ही है, तो कई बार ऐसे बंदे भी छट जाते हैं, तो अपने छोटे भाइयों उनको भी बोलना कि जो आप 17.5 के बाद फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, उनको बोलना ये चीज़। तो ये सपना आप तैयारी करके जाओगे तो जो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत से बंदे देखो 17.5 के बाद भी जो बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं, कई बार जो बंदों की फर्स्ट भर्ती होती है 17.5, जो 18-18 होते थे एक इंडियन आर्मी की वर्दी ले लेते हैं। मैंने बहुत से देखे हैं ऐसे बंदे जो अभी भर्ती हुए हैं हाल ही में, तो एकदम GD की बैच में गए और फर्स्ट बार में भर्ती हुए हैं, क्योंकि उनकी रनिंग बहुत अच्छी थी पहले से। तो ये चीज़ें हैं, और इसके साथ में स्पोर्ट के सर्टिफिकेट भी थे उनके पास में, तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन था उनके, ये चीज़ें ध्यान में रखो, है ना। यदि है स्पोर्ट का और रिलेशन है या कुछ और भी सर्टिफिकेट, तो आप ज़रूर लगाना, जहाँ तक आपको बेनिफिट रहने वाला है, ये चीज़ें हैं। और इसके जो आपको आधारित जो बहुत से बंदे पूछ रहे थे कि सर कि जो हमारी अभी साइट नहीं ओपन हो रही है या साइट में कुछ प्रॉब्लम है या सर्वे डाउन है, ये चीज़ें, तो देखो अभी जो राजस्थान के जो फॉर्म भर रहे हैं फिलहाल और दूसरे जो राज्यों के भी भर रहे हैं, तो जो क्या है कि बहुत से ज़्यादा जो पब्लिक है जो एकदम उस साइट पर जो ज़्यादा जो विजिट करने लग जाती है, तब जो थोड़ा अप डाउन हो जाती है साइट, और कुछ घंटों के लिए वो जो क्रेक हो जाती है, सर्वे डाउन हो जाता है, और जो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब भी आप 8 या 9 बजे शाम में, जो शाम के टाइम में देखना, 8-9 बजे के बाद में आप जो आराम से फॉर्म भर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो दिन भर में और जो 8-7 बजे तक तो जो सारे ई मित्र वाले खुले रहते हैं, और जो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो जो सब बंदे जो अपना फोन ऑनलाइन से खोलते हैं और जो लैपटॉप में खोलते हैं, फ़ोन में खोलते हैं, तो साइड कई बार क्रेक हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 घंटे के बाद ट्राई करना, फॉर्म आपका भर जाएगा, है ना, ये चीज़। दूसरी चीज़ इसमें जो बता रखी है, जो जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंदों को जानकारी नहीं मिल पाती है, उसके बाद में बंदे भर्ती के लिए जाते हैं, लेकिन जो कई बार ये उनको पता नहीं होता है कि हमारा फॉर्म भी नहीं भरा है, कई बार ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक बार सही समझ लेना, जो सेना भर्ती रैली जो लद्दाख है, ये लद्दाख यूनिट है, इसमें जिलों की योग्यता के उम्मीदवार हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं, जो लेह और कारगिल में जो ये भर्ती होने वाला है, जो रेह और कारगी में ये भर्ती होगा, जो आपके 24 जून से जो होने वाला है और 23 जून तक इसका होगा। तो ये कौन से ग्राउंड में होगा, ये चीज़ आपको बता देता हूँ, आर्मी हेलीपैड जो ग्राउंड है कारगिल में आयोजित की जाएगी, लेकिन भर्ती रैली तिथि और स्थान एकदम करेक्ट नहीं है, इन्होंने ये बोल दिया है कि जो भर्ती और रैली दोनों स्थान एकदम कन्फर्म नहीं है कि इसी तारीख को और इसी डेट को और उसी जगह भर्ती होने वाली है। ये एक एथेंटिक है, एक जो सूत्रों के जानकारी मिली है, जिससे एक बंदे जो इसके आस में बैठे हुए कि इससे ना भर्ती आने वाली है आने वाली, लेकिन उनको एक सूचना नहीं मिल पाती, तो उनके लिए हैं बंदे, है ना, तो इनकी एक आस को जगाने के लिए उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छी बात है कि 24 जून से जो भर्ती स्टाफ के होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, भर्ती का प्रोसेस हो या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कुछ भी, लेकिन जब भी होगा आपको बता देंगे और भी। और जिन जो उम्मीदवारों के जो पहले 2020 में और 21 में जो भर्ती में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, तो उन्हें फिर से ये जो करना होगा, ठीक है, एक चीज़ दिमाग में बैठाना, जो बंदे जो स्पेशली इन जो लद्दाख है कारगिल है इनसे जो बिलोंग करता है, और जो जिन्होंने पहले 20 में फॉर्म भर दिया था, 21 में भर दिया, लेकिन जो कई बार भर्ती अपनी पोस्टपोन हो गई या जो आगे बढ़ गई, तो आप फॉर्म दोबारा भर देना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। और इसके लिए जो उन्होंने दूसरी चीज़ में बताया कि जो ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जो 25 अप्रैल से, यानी कल की डेट के आसपास या कल परसों 2-3 दिन बाद है जो आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा,
कई बार जो 25 तारीख को जो आप वेट करोगे तो शायद हो सकता है सर्वे डाउन हो या कुछ और दिक्कत के कारण आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आप वही ट्राई करना थोड़ा लेट कर देना या जो अगले दिन कर देना, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेकिन फॉर्म जरूर भर देना अपना। 25 तारीख से अपना फॉर्म स्टार्ट होगा जो आपके 8 जून तक चलने वाला है, और ये जो प्रवेश पत्र का प्रोसेस है आपके जो 9 जून से चलने वाला है, और आपके 22 जून तक आपका प्रवेश पत्र आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। दूसरी चीज़, बरेली वाले जो बंदे स्पेशली हैं, बहुत से बंदे मैंने देखे हैं जो एक जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है अखबार की कटिंग, उसमें बहुत से जो गलत गलत लिखी हैं, जो सेना भर्ती स्थगित होती हैं, उस तो ऐसा ऐसा कुछ देखा होगा आपने भी बहुत से जो है ना। तो वही चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा कन्फर्म नहीं है कि जो अपना सेना भर्ती कैंसिल है, अभी तो कुछ भी इन्होंने बोला नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ना अनाउंस किया कुछ चीज़ें, तो अब तक ऑलमोस्ट जो सेना भर्ती फिक्स ही है, ठीक है। और जो जो इन बंदों को पता है कि जो 22 तारीख उनकी सेना भर्ती की लास्ट डेट थी, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फॉर्म भरने का। अब कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको। उत्तर प्रदेश वाले जो बंदे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के जो बहिराचा और जो बलरामा, ये जो बहुत से जो इनमें डिस्ट्रिक्ट बता रखे हैं 12 है ना, इनमें जो जिन बंदों के जिलों के उम्मीदवार हैं, इन बंदों के जो जिलों के उम्मीदवार जो हैं उनके लिए राजपूताना जो रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में सैनिक जो भर्ती रैली का बताया है उन्होंने, भर्ती रैली के लिए बोला है, ये एक ग्राउंड बताया है, लेकिन जो एकदम कन्फर्म नहीं है मेरे भाई, एकदम कह रहा हूँ मैं आपको, क्यों एकदम करेक्ट नहीं है कि वहीं सेना भर्ती होने वाली है। हो सकती हैं कुछ चीज़ें, कुछ आपको प्रॉब्लम आ जाए, जो वहाँ पे चेंजेस हो सकता है या पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस चल रहे हैं, उस हिसाब से उस तारीख को हो सकता है और भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अब तक कोई ऐसा ऑफिशियली जानकारी नहीं मिली है। इसी मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ को कन्फर्म मानना चाहिए, एकदम करेक्ट मानना चाहिए, ठीक है। बाकी अपना ऊपर ले लेना, क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं जो बाद में जो ऐसी गलत गलत कमेंट करते हैं, इससे अच्छा है कि आप समझ जाना, ठीक है। 7 जून की ये भर्ती उन्होंने बताया है और 30 जून जो इसमें चलने वाला है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण के लिए बोला है कि आपके 8 अप्रैल से जो स्टार्ट होने वाला है, और ये जो 22 मई तक चलने वाली है, यानी ये जो कल की डेट जो लगभग ऑलमोस्ट सभी दोस्तों के लिए पता है कि लास्ट थी, और इसमें रैली के लिए एडमिट कार्ड आपका यानी कल, यानी आज 22 है तो कल है जो आपके 23 तारीख के, यानी 23 तारीख को शाम तक हो सकता है, शाम तक जो आपके ये ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसको डाला होगा, उस ईमेल आईडी में आपका जो एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा लिंक के थ्रू, और आपके मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया जाएगा, तो दोनों चेक करते रहना, ठीक है। तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ अंबाला वाले, अंबाला वालों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेना भर्ती अंबाला जो कैथल करनाल जो अपने इसमें बता रखा अलग अलग जो ज़िले हैं, इनके लिए जिलों वाले उम्मीदवार जो पुरुष हैं उन सभी दोस्तों के लिए जो 7 जून से ये भर्ती होने वाली है और जो 25 जून तक चलने वाली, तो इनके बहुत अच्छी बात है कि मेरे भाई ये जो आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, कि जो अंबाला वाले जो बंदे थे जिनकी भर्ती कैंसिल हुई पोस्टपोन हुई, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस है, तो इसमें जो आपके 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और आपके ये भी 22 मई तक चलने वाला था, और एडमिट कार्ड आपके 23 तारीख को बताएं, तो बहुत अच्छी बात है कि 23 तारीख को दो जो भर्ती रैलियों का एडमिट कार्ड आने वाला, एक तो बरेली हो गई और एक दूसरी जो अंबाला, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ जो अपना इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या प्रोसेस है, ये मैं आपको अलग से कल या परसों तक आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें जो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, क्या प्रोसेस है, वो आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, उसका है ना एक सेपरेट वीडियो रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत से बंदे उसमें कन्फर्म नहीं हो पाएंगे, और वो भी जो आगे फ्यूचर में काम आएगा, हर दोस्त जो कभी कोई भी सेनापति को अटेंड करेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, ठीक है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान वालों के लिए, अब जो मेरे भाई आपको जो नोटिफिकेशन दिख रहा है ना एकदम करेक्ट है, इसमें जो कुछ ऑफिशियली जानकारी बता रखी है, 11 जुलाई से जो भर्ती होने वाली है, 2 अगस्त तक ये भर्ती जाने वाली है, अलग अलग जो ट्रेड रहेगी, अलग अलग वैकेंसियाँ रहेगी, कोटा को, कोटा जो संभाग है, कोटा जो आरओ है, इनको 6 वैकेंसी दी है ना, 6 पोस्टें दी है, तो बहुत अच्छी बात है कि इनके लिए एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन है। बाकी जो जिन बंदों के जो जोधपुर हैं या जो झुंझुनू वाले बंदे हैं, अलवर वाले हैं, जयपुर वाले, इनको भी एक अलग सुनहरा अवसर दिया जाएगा, जिनमें जो अलग अलग पोस्टें रहेगी, लेकिन अभी जो हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद ही आए इनका नोटिफिकेशन जो दूसरे आरओ का है, लेकिन अभी जो आ रहे हैं जो इसमें जो सभी आरू दे रखे हैं, लेकिन जो बता रखा है इसमें ज़्यादा पोस्टें मिली है वह कोटा को दे रखी है ना, कोटा वाले जो बंदे स्पेशली देख लें ध्यान से, इसमें जो सारे डिस्ट्रिक्ट का बता रखा है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या प्रोसेस है, इसमें देख लेना आपका जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसमें जो आपको बता रखा है कि जो ये रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस है इन्होंने बोला है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जिन बंदों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप कर देना, 6 पोस्टें आपको दे रखी है तो आप जो देख लेना, राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता तो आपको जो 3 पोस्टें आपको दे रखी हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो NA जो पोस्ट होती है उसमें, और जो अपने एक फॉर्मा जो पोस्ट होती है
ठीक है, इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्लर्क में आप आवेदन करना चाहते हो कर सकते हो, राजस्थान के किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो भाई इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा एक ऑप्शन है ना, राजस्थान के सभी ज़िलों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म की बता दूँ आपको, लास्ट डेट 27 जून रखी गई है, तो इससे पहले पहले अपना फॉर्म भर देना। 14 जून मई से स्टार्ट हो गया आपका फॉर्म और आपके 27 जून इसकी लास्ट डेट। ज़्यादा इसमें कोई झंझट नहीं है, आप नॉर्मली अपना फॉर्म भर सकते हो। और इसके लिए मैंने आपको स्पेशली वीडियो प्रोवाइड करा दिया आप कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में आपको दिख जाएगी, तो आप देख लेना है ना, दोनों वीडियो आप देख लेना और आराम से घर बैठे बैठे अपना फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिला अपना लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, कहीं और जाओगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने घर बैठे बैठे अपना फ़ोन से भी आप ये अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पंजीकरण कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, है ना। एडमिट कार्ड आपके जो अगले दिन हो जाएगा, जो जिनकी जो 27 जून बता रहा है इनमें, तो 27 जून के अगले यानी 28 तारीख के आसपास आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ये इसका प्रोसेस रहेगा, है ना। ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन थी हर एक बंदे के लिए, तो इस वीडियो को जितना उसको फैला देना, जितना वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और भी आने वाले फ्यूचर में जो भी जानकारी है आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसके साथ में ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ, जो राजस्थान की होने वाली सेना भर्ती है उनके लिए, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो जरूर को जितना उसके फॉरवर्ड करना, जितना वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। और भाई एक बात बता देना मुझे, किस आरओ से बिलोंग करते हो, कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, ये जरूर बताना, जिससे हर दोस्तों को मुझे पता चल सके कि हाँ बंदा मेरा वहाँ तक है, जो बंदा देख रहा है वो वहाँ का है, ये चीज़ बता रखे। मैं सारों का कमेंट पढ़ता हूँ भाई, तो इस वीडियो को जितना फैला देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।